तो दोस्तों कैसे हो, आज की एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने काफ़ी सारे ट्रकों में कुछ इस तरीके से टायर जो है उठा कर चलते हुए देखा होगा, जिसको लिफ्ट एक्सल भी कहते हैं। तो इसको जो ये ट्रक हैं यानी ये ड्राइवर इसको उठा कर क्यों चलते हैं, तो इसको लेकर आपके मन में जो काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे इसको उठा कर क्यों चलते हैं, अगर कंपनी ने इसको जो लगाया है तो ऐसा क्यों लगा है जो इसको उठाकर चलना पड़े, अगर लगाए तो इसको जो है कंपनी ने फिक्स ही क्यों नहीं किया जैसे और सारे टायर लगे हुए होते हैं, तो इसको जो इस तरीके से क्यों नहीं लगाया है, इसका क्या रीज़न है इसको जो इस तरीके के बनाने का, और इसको बना है तो ड्राइवर जो इसको नीचे टेक कर क्यों नहीं चलते हैं हमेशा, या फिर उसको क्यों उठाया जाता है, तो इसका क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट आप जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये लिफ्ट एक्सल आपको जो है उन्हीं गाड़ियों मिलेगा जिनकी जो लेंथ है, जिनकी जो चेसिस की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 30 फीट के आसपास जिस गाड़ी की लंबाई होगी उसके अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा लिफ्ट एक्सल, तो उन्हीं गाड़ियों के अंदर मिलता है। तो पहली जो कन्फ्यूज़न होती है वो है इसको कंपनी ने फिक्स क्यों नहीं किया, उसको जैसे और टायर सभी फिक्स कर रखे, इसको भी कंपनी फिक्स करती थी, कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, तो उसने ऐसा इसलिए नहीं किया, उसमें जो ट्रक जो ऑनर है उसका ही बेनिफिट है इसको लिफ्ट एक्सल गाड़ी के अंदर फिटिंग करने का, तो उसके बारे में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो उसका क्या फ़ायदा है, अगर इसको फिक्स कर दिया जाता तो उसके अंदर जो ट्रक ऑनर है उसको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता। इसकी ज़रूरत के मुताबिक ये लगाया गया, जैसे अगर आपकी गाड़ी लोड है तो आप इसको नीचे टेक कर नीचे करके चल सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी खाली है तो आप इसको उठाकर चलते हैं, ये अलाउ है, ठीक है, ये कोई इनलीगल नहीं, इसलिए कंपनी ने इसे फिक्स नहीं किया। अब इसके फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी इसको फिक्स कर देती तो उसमें ड्राइवर यानी मालिक को जो नुकसान है, पहला तो फ्यूल का, दूसरा टायर का। जैसे इसको जो उठाकर इसलिए चलते हैं, ये खाली गाड़ी में उठाकर चलना अलाव है, लोड गाड़ी में नहीं है। खाली गाड़ी में दो फायदे होते हैं, एक तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, पहले आपके पास कोई भी एक बाइक है उसके अंदर दो टायर लगे हुए होते हैं, अगर उसमें आप दो टायर और एक्स्ट्रा लगाएंगे तो जो उसके इंजन पर आपको ज़्यादा दबाव पड़ेगा, एक दो टायर के साथ जो कैपेसिटी है, यानी आप देख सकते दो टायर एक चीज़ खींच रही है, उसमें आप दो टायर और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो उन चारों टायरों को चलाने में, उनको चारों टायरों को जो है घुमाने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमारे इंजन को, कोई भी गाड़ी हो, तो जितने ज़्यादा टायर होंगे उतने ज़्यादा ही ताकत जो है इंजन को लगानी पड़ती है, अगर ताकत इंजन ज़्यादा लगाए उस पर जो है जोर पड़ेगा तो उसको जो है फिर फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए नहीं, फ्यूल भी कम होगा, आपकी जो माइलेज है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, आपका जो फ्यूल खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक, यानी कि तेल आपकी जो इंजन है वो ज़्यादा खाएगा, आपकी गाड़ी कम एवरेज देने लगेगी, जितने ज़्यादा टायर होंगे उसके हिसाब से उस पर उतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी खाली है तो आप इसको उठाकर चल सकते हैं, आपका फ्यूल भी बचेगा, आपका जो टायर की जो एक दो टायर है वो घिसेगा नहीं, अगर आप उसको रेगुलर टेक कर चल देंगे तो टायर आपका घिसेगा तो वो भी आपका एक नुकसान है, जल्दी टायर आपके कम होंगे, एक टायर की जो दो टायर जो कीमत है करीब 40,000 के 45,000 तक दो टायर आते हैं, यानी एक जोड़ा गाड़ी का आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान अगर आप इसको हमेशा टेक कर चलते, अगर इसको कंपनी फिक्स कर देती तो। यहाँ पर जो है अब बहुत से लोग हैं इसको लोड गाड़ी में भी जो है उठा कर चलते, उसको टेक कर नहीं चलते, अगर आपकी गाड़ी लोड है तो आप इसको नीचे टेक कर नहीं चल रहे हैं तो आपका RTO चालान कर सकता है, ये इलीगल है, तो इसी फायदे को देखते हुए जो है लोग इसको लोड गाड़ी में भी उठा कर चलते हैं, फ्यूल की बचत और टायर की बचत, काफ़ी ट्रकों में आप देखो तो उसमें टायर लगे हुए तो बिल्कुल कंडम कंडीशन के लगे हुए, बिल्कुल ख़त्म, यानी जो है बिल्कुल जो फॉर्मेलिटी के ये पूरी करने के लिए वो टायर लगे हुए होते हैं, उसमें बढ़िया टायर लगा कर नहीं रखते हैं, तो यही रीज़न है जो फ्यूल वगैरह बचाने का, टायर बचाने का, इसलिए उसको लोग लोड गाड़ी में भी जो है उठाकर ही
चलते हैं। आपका यह भी होगा कि कंपनी ने इसको लगाया ही क्यों है, इसको बिल्कुल हटाया भी तो जा सकता था बिल्कुल। तो ये आपको उन्हीं गाड़ियों में देखने को मिलता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनकी जो लंबाई है चीचिस की वो ज़्यादा होती है, 30 फीट के आसपास जिसकी लंबाई होती है। अब आप मानो कुछ जो है एक गाड़ी वजन पास करती है मान लो 35 टन या 30 टन, ठीक है। जैसा कि आपने काफ़ी जो लॉन्ग रूट की जो गाड़ियाँ होते हैं LPG ट्रक्स होते हैं उनकी जो लंबाई ज़्यादा होती है, तो जैसे उसका वजन जो पास करती है उसके चेसिस की लंबाई होने के कारण चेसिस का जो वजन उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ जो एक्सल है वो आगे लगाए जाते हैं, कुछ पीछे लगाए जाते हैं जो पीछे एक्सल होते हैं, तो बीच में जो गैप है वो ज़्यादा हो जाता है चेसिस की लंबाई ज़्यादा होने के कारण, तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि चेटिस को कोई भी कहीं से इफेक्ट ना पड़े, उसको कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि जब गाड़ी के अंदर लोड डाला जाएगा तो उसका जो चेटिस पर असर पड़ता है उसका वजन चेटिस उस पर ही होता है और नीचे फिर उसके बाद टायर्स पर वजन होता है, उसका टायर्स ही जो है चेटिस के जो वजन है उसको संभालते हैं, वही उसको मेंटेन करते हैं ताकि चेटिस को कहीं से भी कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए उसकी लंबाई को जो कंट्रोल करने के लिए ये जो एक्सल लगाए जाते हैं जिसको आप लिफ्ट एक्सल बोलते हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए लगाया, इसलिए इसको लिफ्ट ऊपर या नीचे करने वाला बनाया गया ताकि आपकी ज़रूरत के समय आप इसको नीचे कर सकें, अगर आपको इसकी ज़रूरत ना हो यानी आपकी खाली गाड़ी हो तो आप इसको उठाकर चल सकते। ये है इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान, जो कंपनी ने चाहे थी इसको फिक्स भी कर सकती थी लेकिन इसका जो है उठाकर चलने का ये फ़ायदा है, और लोड गाड़ी में आपको इसे उठाकर नहीं चलना चाहिए, आपका चालान भी कट सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर जो आपकी कन्फ्यूजन थी आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।